गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत। आज हम आए हैं पानीपुरी के लिए सेंसर, ब्लैक डियर सेंसर के लिए। ये ब्लैक डियर सेंसर, ब्लैक डियर मतलब काला भालू सेंसर, ब्लैक डियर मतलब काला भालू सेंसर। और इससे हम ये देखिए, ये सेंसर है आपका, मैं पहले भी एक वीडियो में इसे दिखा चुका हूं। ये सेंसर, इसमें दो सप्लाई, मतलब एक सप्लाई और एक वाटर पंप, इसे आपने कनेक्ट करना है और सिस्टम आपका वहीं का वहीं रेडी हो जाएगा। ये हमने 12 वोल्ट का अडेप्टर लिया, ये अडेप्टर की वायर, ये हमने अटैच करी अडेप्टर से, और जैसे ही हमने सेंसर के आगे हाथ करा, ये ऑपरेट हुआ, हाथ करा ऑपरेट हुआ। और इसमें हमने वाटर पंप की वायर लगा दी, ये हमने कोई भी, इसमें से हमने एक वाटर पंप ले लिया, जैसे ही हमने इसके आगे हाथ करा, ये ऑपरेट। देखो रेड एलईडी मतलब ऑपरेट, 5 सेकंड तक चला, क्योंकि हमने 5 सेकंड पूरा टाइम कर रखा है। अगर हम इसका टाइम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से कम करेंगे, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये स्क्रू ड्राइवर, ये हम 3 और 4 नोजल के हमने सेट बना रखे हैं। ये 4 नोजल, ये 3 नोजल का स्टैंड है, ये 4 नोजल का है, वो 5 नोजल का स्टैंड है। जो भी 3 नोजल में, जैसे आपके 3 वाटर पंप, 3 सेंसर किट, 1 अडेप्टर पाइप और वायर, इसमें वो 12-in-1 वायर और 3 पुश बटन, यानी कि इलेक्ट्रिकल आइटम में इसके अलावा आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका रेडी, एक पानीपुरी मशीन 30 सेकंड में तैयार हो जाएगी। ये हमने आपको 30 सेकंड में कनेक्ट करके दिखाया था, हमने बस एक सप्लाई की और एक वाटर पंप की वायर लगाई थी और ये ऑपरेट हो गया था। ये देखिए, मैंने यहाँ वाटर पंप लगा दिया, अब मैं इसके आगे हाथ करूंगा, जैसे ही करूंगा तो ये ऑपरेट हो रहा है, और मैं इसे रिमूव करूंगा तो ये बंद। तो ये पूरा पानीपुरी का सिस्टम, यहाँ पे सेंसर किट रेडी हो गई, पानीपुरी की मशीन तैयार हो गई। ये एक मिनट से यहाँ रख देता हूँ, है ये मेन अडेप्टर को इससे कनेक्ट कर दिया और ये सप्लाई के अलग अलग इसमें 4 वायर निकाल दी। ये देखो, हमने इस सर्किट में दी, ये सर्किट रेडी हो गया, इसमें भी ये हो गया, इसमें भी ये हो गया, ये हो गया। तो यानी कि ये अडेप्टर में हम एक ये वायर बंच भी बना के देते हैं, ये देखो, और ये इसे आपने करा तो ये 4 सप्लाई की वायर हो गई। बस ये 4 सप्लाई की आप जिस भी किट में देंगे वो किट रेडी। और इसे दिया ये सिस्टम रेडी, इसे दिया ये सिस्टम रेडी, इसे दिया ये सिस्टम रेडी, इसे दिया चौथा सेंसर, ये सिस्टम रेडी। और ये जो है आपका, ये तो हम 30 सेकंड कह रहे हैं, तो लगता है 20 सेकंड में ये सिस्टम पूरा रेडी हो जाएगा। और जैसे ही आप ये सेंसर के आगे हाथ करेंगे, ये देखिए, ये सेंसर सीधा नहीं लगता है, ये देखिए वॉल की इस तरह से फिटिंग करी गई है कि वो उसमें ऑपरेटेड होके सीधा आएगा ही आएगा। देखिए, रिले ऑपरेट हुआ, बैक हुआ तो ये बंद, हाथ करा तो रिले ऑपरेट हुआ, बैक किया तो बंद। इसकी एलईडी मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, एलईडी की फिटिंग बिल्कुल इस तरह से करी गई है, ये देखिए एकदम फिट, यानी कि 2 सूट का यहाँ पे होल की कटिंग करी गई है और बिल्कुल एलईडी यहाँ पे एग्जैक्ट है। आपको यानी कि स्टैंड में बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 30 सेकंड के अंदर अंदर हमने पूरी जो मशीन है वो रेडी कर ली। ये देखिए, पानी भी जितना, कोई प्रेशर तेज नहीं है, जितना पानी चाहिए वो सिस्टम रेडी। ये वीडियो हम पहले बना चुके हैं, अभी भी सेम ही हो गया, हमने 30 सेकंड में पूरा सिस्टम आपको पानीपुरी का रेडी करके बता दिया। आपको ये 3 नोजल की आवश्यकता है तो 3 नोजल और इसका सेट, 4 नोजल की है तो 4 नोजल और उसका सेट, 5 नोजल तो 5 नोजल और उसका सेट, पूरा का पूरा सिस्टम रेडी। आज हमारा वीडियो बनाने का टारगेट ये था कि ये जो सेंसर है ये हमने कपूर रख दिया, अभी हम इस पर आग लगाएंगे, तो ये एयर रजिस्टिव है, यानी कि एयर रजिस्टिव है, वायर रजिस्टिव है, ब्लैक डियर सेंसर, ब्लैक डियर आप ऐसे बैठे हो इधर, हाँ आप सही है, ठीक है। तो हम इसमें आग लगाएंगे और आग लगा के इसमें एयर का, मतलब इसका फायर का फर्क नहीं पड़ता है, फायर रजिस्टिव है। ये देखो, ठीक है, ये देखिए, ये ब्लैक डियर सेंसर है, हमने यहाँ पे आग लगा दी, तो ये पीवीसी, हार्ड पीवीसी का है, ऐसा नहीं है कि आग लगने पे, लेकिन ये हैवी पीवीसी जो है पीवीसी का बना हुआ है, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसे बियर कर लेगा, ये जिस मटेरियल का बना हुआ है वो करके कोई भी मौसम, धूप गर्मी में वो कर लेगा। ये देखो, कोई इस पे निशान इस तरह का नहीं है, लेकिन हाँ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी आग वाग मत लगाना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैटर है, कहीं से भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसका ये हैवी मटेरियल काफी यूज किया गया है, कोई इसमें किसी तरह का इश्यू नहीं है।